दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि ब्रिक मशीनरी यानी ईंट की चिनाई में हम क्वांटिटी कैसे निकालें, यानी ईंटों की संख्या कितनी लगेगी, कितना सैंड लगेगा और कितना सीमेंट बैग लगेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करनी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको दीवार की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ज्ञात कर लेनी है और उसका फिर वॉल्यूम निकालना है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट से। मान लीजिए कोई दीवार 10 फीट लंबी है, 9 इंच चौड़ी है और 11 फीट हाइट की है, तो दोस्तों इस दीवार का हम वॉल्यूम निकालेंगे। इस दीवार का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई से गुणा करनी है, जैसे कि हमने ये कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दीवार का वॉल्यूम क्यूबिक फीट से क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके वॉल्यूम को हम 35.29 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वॉल्यूम आ गया है हमारा 2.34। अब हमें निकालनी है ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। एक क्यूबिक मीटर हम जानते हैं दोस्तों वो 500 ईंटें होती हैं, आपको ये याद रखना है। तो इस दीवार में हमारी कितनी ईंटें होंगी आप देख सकते हैं, तो दोस्तों 2.34 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो टोटल ईंटें आ गई हैं 1170। अब बात करते हैं दोस्तों सैंड और सीमेंट की कैलकुलेशन हम कैसे करें चिनाई के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों हमें एक क्यूबिक मीटर चिनाई के अंदर सीमेंट मोर्टार का वॉल्यूम निकालना है, तो दोस्तों वो वॉल्यूम होता है 0.315। ये कैलकुलेशन के थ्रू आया है, आप कमेंट करके बताएंगे तो हम बताएंगे। अब दोस्तों इसको हम डिवाइड करेंगे सीमेंट मोर्टार के रेशियो से कि हम कौन से रेशियो का सीमेंट मोर्टार बनाना चाहते हैं। एग्जांपल हमने 1:6 का लिया है, 1:6 का हम मसाला बनाना चाहते हैं, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे 7 से तो आएगा 0.045। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 30 से तो आ जाएगा 1.35, क्योंकि एक क्यूबिक मीटर में दोस्तों 30 कट्टे यूज़ होते हैं, तो इतने में 1.35 कट्टे यूज़ हो जाएंगे। पूरी दीवार में अगर हम निकालें दोस्तों तो 2.34 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी, तो टोटल आ जाता है 3.16 बैग, उस दीवार में 3.16 बैग यूज होंगे। अब हम बात करते हैं सैंड की कि सैंड कैसे निकाला जाए, तो दोस्तों हम सैंड निकालने के लिए 0.315 को हम डिवाइड करेंगे 7 से तो 0.045 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 6 से तो ये आ जाता है 0.27 क्यूबिक मीटर। इसके बाद दोस्तों हमें जरूरत पड़ेगी सैंड की डेंसिटी की, वो होती है 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.27 से तो वो दोस्तों सैंड का वेट निकल जाएगा टोटल। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों ये आ जाता है 432 किलोग्राम सैंड, यानी 4.32 क्विंटल एक क्यूबिक मीटर में लगेगी। तो टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10.10 क्विंटल उस दीवार में लगेगी। तो इस तरह से दोस्तों 10 फीट लंबी, 11 फीट ऊंची और 9 इंच चौड़ी दीवार के लिए जो टोटल ब्रिक लगेंगी दोस्तों वो 1170 लगेंगी। सीमेंट के जो कट्टे लगेंगे दोस्तों इसमें 3.16 लगेंगे और इसमें टोटल जो रेत यूज होगी वो होगी दोस्तों 10.10 क्विंटल। इस तरह से हमने दीवार में ये पूरी क्वांटिटी निकाली है। दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हमने क्वांटिटी फाइंड करी, एग्जांपल से हमने आपको समझाया। अब आपको दोस्तों अगर आपको कोई सी भी कितनी भी लंबी दीवार है या पूरे घर में आपको क्वांटिटी निकालनी है, तो सबसे पहले आपको 9 इंच चौड़ी जो दीवार है उसकी टोटल लेंथ ले लेनी है और जो 4.5 इंच की वॉल है उसकी टोटल लेंथ ले लेनी है। ठीक है दोस्तों, फिर आप जो है टोटल लेंथ लेने के बाद उसकी हाइट फाइंड कर लेंगे और दीवार की चौड़ाई ले लेंगे। 9 इंची है तो 0.75 से हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा और उस वॉल्यूम को हम क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 35.29 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम 9 इंची बोल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, 4.5 इंची बोल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, फिर क्यूबिक मीटर में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। फिर आपको हमने बताया कि एक क्यूबिक मीटर में 500 ईंटें यूज होती है, तो आप टोटल वॉल्यूम को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे आप टोटल ब्रिक निकाल लेंगे कितनी ईंट हमारी बिल्डिंग में लगेगी। ठीक है दोस्तों, अगर हमें निकालनी है सैंड और हमें सीमेंट के कट्टे निकालने हैं तो उसके लिए उसको देखें जो हमने एग्जांपल आपको बताया है और उसके बाद आप फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको उसको बताने की कोशिश करेंगे। मुलाकात करते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।